पूर्व विधायक प्रताप सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तहसील मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने महामहिम राज्यपाल के नाम विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर विद्युत मंडल प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा एवं कार्यालय का घेराव कर चेतावनी दी कि जबेरा सहित आसपास में विद्युत व्यवस्था में सुधार किया जाए। पूर्व विधायक प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस कमेटी द्वारा जगह जगह विद्युत संबंधी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और शासन को चेताया जा रहा है कि विद्युत कटौती बंद की जाए एवं जगह जगह बंद पड़े ट्रांसफार्मर को बदला जाए जिससे कि लोगों को पर्याप्त बिजली मिल सके। बिजली बिल भी अत्यधिक मात्रा में दिए जा रहे हैं, मौके पर जांच कर उचित बिल दिए जाएं। कांग्रेस नेत्री रजनी ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कमेटी द्वारा विद्युत समस्या को लेकर विद्युत मंडल का घेराव कर धरना प्रदर्शन रखा गया था। उन्होंने कहा कि बरसात का सीजन है और विद्युत कटौती बहुत अधिक हो रही है, अत्यधिक राशि के बिल की लोगों को थमाए जा रहे हैं जो गरीबों के साथ अन्याय है। इस दौरान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज जायसवाल, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजनी ठाकुर, युवा नेता आदित्य सामोलन, गोविंद तिवारी, चंदू राय, सुनील सिंघई, भाग्यचंद यादव, नारायण यादव, प्रमोद धनगर, शारदा तिवारी, अजय तिवारी, ओमपी शर्मा, भगवत धनगर, गोलू तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस चाहे ब्लॉक कांग्रेस हो, समस्त कांग्रेस जन ने आज विद्युत मंडल का घेराव किया था और यहां पर धरना रखा गया था। समस्या ये है कि आप देख सकते हैं बरसात का सीजन है और बिजली कटौती काफी हो रही है और बिजली बिल भी काफी बढ़ के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का ये भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं वो किस तरीके से जब उनका कर्ज में वो डूबे हुए हैं और वो जो कर्ज अपना अदा करने के लिए जो गरीब जनता है उस पर ये बिल बड़े बड़े थोपे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको उगाया जा रहा है। तो हम कांग्रेस जन आज इसको विरोध कर रहे थे और धरना प्रदर्शन दिया और हम चाहते हैं ऐसी सरकार को समय दिखाना चाहिए कि लोगों की परेशानियों में वो कैसे ना तो उनका निराकरण कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी होती है और हम चाहते हैं कि बिजली बिलों को माफ किया जाए और प्रॉपर लाइट दी जाए और जहां के ट्रांसफार्मर खराब है उन ट्रांसफार्मरों को बदला जाए और निराकरण किया जाए। हमारे जितने भी विद्युत वितरण केंद्र हैं पूरे प्रदेश में, इसी प्रकार हमारे जबीरा विधानसभा के जबीरा, तेजगढ़, तेंदुखेड़ा, नोहटा में सभी जगह हम लोगों ने ये आयोजन किए हैं, धरना प्रदर्शन दिया है और ये चेतावनी दे रहे शासन के लिए कि जहां जिन जिन गांवों में हमारे ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं उनके लिए तत्काल बदला जाए और जो अघोषित विद्युत कटौती है उसको तत्काल बंद किया जाए। यदि ये नहीं कर पा रही है, यदि यहाँ चाहे प्रशासन की लापरवाही हो या शासन की लापरवाही हो, इसके लिए अब जनता जिम्मेवार सिर्फ इनको मानेगी, शासन को मानेगी और विद्युत वितरण केंद्र में जो प्रभारी हैं। मैं आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और तत्काल ही जो विद्युत विभाग की ये कटौती हो रही है, अघोषित कटौती हो रही है, उसको तत्काल बंद किया जाए और गांव गांव में जितने भी ट्रांसफार्मर आपके जले पड़े हैं उसको लीडे भी खराब हैं उसको तत्काल बदला जाए जिसमें कि गांव के लोगों को सहूलियत प्राप्त हो। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जबीरा में दिया है मुख्यालय पर, इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और तालाबंदी करेंगे और इसके जिम्मेवार यहाँ के अधिकारी होंगे और प्रशासन होगा। संदर्भ में ये जो मांगे रखी गई हैं इसके निराकरण हेतु हम उच्च अधिकारियों से अवगत कराएंगे और जो हमारे स्तर की समस्या है वो हम उसको जल्द से जल्द हल करेंगे। ट्रांसफार्मर लीडों की व्यवस्था करा दो, हमारे दोनों के 4 डीपी।